नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं स्वाति पांडे आपके साथ। वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कितनी सारी योजनाएं ला रही हैं। सरकार समाज में सुधार लाने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकते हैं, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही खबर झारखंड से आ रहा है, जहाँ एक लड़की के साहस को देख ये मर्दवादी समाज डर गया। दरअसल आपको बता दें कि ये खबर झारखंड के गुमला की है, जहां एक लड़की अपने खेत में ट्रैक्टर चलाती है तो उसके खिलाफ गांव वालों ने पंचायत बुला लिया और पंचायत बुला के उसमें ये फैसला सुनाया गया कि उस लड़की को जुर्माना भरना होगा। अगर वो लड़की जुर्माना नहीं भरती है तो उसे सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पंचायत की सारी कवायद को लड़की धत्ता बताती हुई नज़र आ रही है। उसने भी तय कर लिया है कि वह पंचायत के किसी भी फरमान को नहीं मानेगी, वह खुद को एक प्रगतिशील किसान के रूप में स्थापित करेगी। यह घटना झारखंड के गुमला जिले के सिसई ब्लॉक के ठहू डोली गांव की है। पंचायत के फैसले के खिलाफ तन कर खड़ी लड़की का नाम मंजू उराव है। वह बीए पार्ट वन की स्टूडेंट है, गुमला के कार्तिक उराव कॉलेज में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि मंजू के माता पिता किसान हैं, उनके पास 6 एकड़ खेती लायक ज़मीन है। वह सालों से परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे हैं, उन्हें खेती की नई तकनीक की कोई जानकारी नहीं है। मंजू ने तय किया है कि वह परंपरागत तरीके से हटकर नई तकनीक की मदद से खेती करेगी। उसी के कहने पर परिवार ने गांव की ही एक किसान से लीज पर करीब 10 एकड़ जमीन खेती के लिए और ली है। मंजू ने पिछले साल मकई, आलू, टमाटर की खेती की, इससे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने एक ट्रैक्टर खरीद ली और जुताई के लिए खेतों में निकल गई। गांव में ऐसा साहस आज तक किसी ने नहीं किया। रूढ़िवादी सोच में जकड़े गांव वालों को यह नागवार गुजरी। 2 दिन पहले उन्होंने मंजू उराव के खिलाफ पंचायत बुला ली। इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सबने एक स्वर में कहा कि आज तक इस गाँव में ऐसी लड़की ने, किसी भी लड़की ने ऐसे खेती की जुताई नहीं की है। मंजू ने नियम तोड़ा है, इससे गांव पर आफत आ सकती है, महामारी फैल सकता है, अकाल पड़ सकती है। पंचायत ने मंजू पर जुर्माना लगाया और इस काम के लिए माफ़ी मांगने को कहा। मंजू ने माफ़ी मांगने और जुर्माना भरने से इनकार कर दिया है। पंचायत ने कहा कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मंजू ने कहा कि वह खेती का काम जारी रखेगी। उसने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। उसने कहा कि वह खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करेगी। उसने पंचायत से कहा कि अगर मैं अपनी ज़मीन पर खेती कर रही हूँ तो यह गुनाह कैसे है, मैं खेती का काम जारी रखूँगी। तो देखिए, आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे समाज में बेटियाँ क्या कुछ नहीं करके दिखा रही है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही मामला झारखंड से भी आया है, जहां एक मंजू खेती करती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वो मंजू अड़ी हुई है कि वो खेती करेगी और वो अपने खेत में खेती कर रही है, तो ये गुनाह कहाँ से आ गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।